अच्छा कुरान में तो अल्लाह भी ये भी चैलेंज तो दिया है आप तो कुरान को तो मैं एकदम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कुरान का आयत को कुरान में तो अल्लाह ने तो चैलेंज भी दिया है ना कि एक ऐसा सुरा हमको क्रिएट करके दिखाओ तो आपको तो एक सुरा क्रिएट करके दिखाना चाहिए जब तुम इसे okay, अगर, तो अगर मैं आपको बताऊँ अगर मैं आपको बताऊँ की प्रॉब्लम पता है क्या नुसरत खान तू आपका प्रॉब्लम ये है की आप अपना दावा रखने के बाद अपना सवाल रखने के बाद सामने वाले के जवाब बात नहीं सुनते अगली बात पे चले जाते हैं आपने अभी ये चैलेंज रखा है कि उसने ये चैलेंज किया है कि एक सूरा जो है वो कोई उसके जैसी क्रिएट करके दिखाए। अगर मैं आपको अल्लाह की कुरान जैसी एक सूरा सुना दूं। जो इंसानों ने लिखी है फिर तो नहीं नहीं नहीं, नहीं, तो तो क्यों नहीं जोड़ा है तो कुरान में जोड़ करके दिखाना पड़ेगा कुरान के कुरान के अंदर आप जोड़ लो कह रहा हूं आप जोड़ लो मैं कह रहा हूँ आप लोग मैं, मैं दे हूँ आपको जो लोगों ने बनाई है क्या पागलों वाली बात कर रही हो बहन तुम मैं मुसलमान नहीं हूँ मैं कुरान का मुसनिफ नहीं हूँ मैं कुरान में कुछ ऐड करूंगा मुसलमान ऐड करने देंगे खुशी खुशी मान लेंगे हाँ जी आपने बड़ी अच्छी आयत बनाई इसको कुरान में ऐड कर दो हैं कुछ भी वो तुम्हारी जिम्मेदारी है भाई रही बात कुरान में एक कुरान की तब नहीं होती बात बहन मेरी बात होती है दोनों साइड से एक साइड बोलने से बात नहीं होती है आपने अपना टॉपिक अपना पॉइंट रख दिया है मैं आपको कुरान के जैसी सूरा दिखा रहा हूँ जो लोगों ने बताई बनाई हुई है उसको ऐड करना उसका चैलेंज ही नहीं है उसका चैलेंज नहीं है यहाँ पर लेके एक्सप्लेन करो क्यों कुरान का लेकर आ रहे हो इसको बैक स्टेज करने में फायदा है क्योंकि ये मशीन गन है ए के फोर्टी सेवन है ये मेरी बहन ये रुकती नहीं है इसको मैं कुछ दिखाने लगा हूँ इसके गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है लो जी इन लोगों का बड़े दिनों से दावा आता रहता है कि जी कुरान जैसी एक कायद बना करके दिखाओ अभी रिसेंटली 2021 में एक बहुत जबरदस्त पेंडेमिक आया था दुनिया के अंदर जिसको हम कोविड के नाम से जानते थे एक शख्स ने एक हमारे प्यारे भाई म्यूट रखना जरा भाई मैं एक वीडियो चला रहा हूँ। एक हमारे प्यारे भाई ने बाकायदा सुरा कोविड के नाम से एक सूरत बनाई है और अल्लाह के उस चैलेंज को नस्तनाबूत कर दिया है आप भी सुनिए सुरा कोविड अल्लाहुम मसrif अन बियूतना وعن بلاد المسلمين وقنا شر الداء ونجنا من الطعن والطاعون ونجنا من الطعن والطاعون

तो फिर तो फिर एवं तुम दावा करोगे एवं तुम चैलेंज करोगे तो उसकी क्या दलील है हमारे पास है उस, उसको हम क्यों मानेंगे तुम्हारे चैलेंज को तमाम दुनिया का इंसान कोई भी बना देगा सूरा उठा करके तुम तो कह हो नहीं ये तो है तो ही नहीं हम तो मानते ही नहीं तो मसला तो यही खराब हो जाता है ना तुम लोगों के साथ में प्यारे बहन तुम लोगों के साथ में मसला यही तो खराब है हमारा कि तुम्हारा चैलेंज पूरा कभी का ऑलरेडी हो चुका है बट यू कांट एक्सेप्ट इट तुम्हारा अल्लाह तुम्हारा मोहम्मद सारी जिंदगी यही करता रहा जब जब-जब लोगों ने उसके आर्गुमेंट का काउंटर दिया वो भाग गए नहीं 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 ये तो ऐसा है मुझे बोलने ओ, दो दो मिनट हाँ देखो बोलो बोलो अपने बारे में बोलो कुरान में क्यों एड नहीं है करना पड़ेगा देखो एक होता है ना कि देखो इंडिया का बाइबल एक अलग सा है बहुत कंट्री में जो बाइबल लिखा सा है कि वो सूरा या वो आयत बना करके कुरान में ऐड करनी है ऐसा तो चैलेंज है ही नहीं सिर्फ बनाने का चैलेंज है ऐड करने का नहीं है कुरान में तो देना पड़ेगा ना जो क्यों 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 जब अल्लाह ने नहीं जब अल्लाह ने नहीं कहा

लो आप, लो, लो, आप लो? लो आप कर लो लो आप कर लो एक्सप्लेन ये लो ये लो ये सही बुखारी की हदीस नंबर तीन सौ चार है लो इसको आप पढ़ लो क्या लिखा हुआ यहाँ पे लो पढ़ो जल्दी से पढ़ो आप करो सही एक्सप्लेन पढ़ो यहाँ से पढ़ो रसूल करीमल ओके मतलब आपको खुद उर्दू नहीं आती और मैं एक्सप्लेन गलत कर रहा हूँ चलो मैं पढ़ो कौन सी लैंग्वेज आती है आपको हिंदी आती है कौन सी लैंग्वेज आती है बहन आपको बांग्ला आती है बांग्ला मुझे बैंगली आता है इंग्लिश आता है हाँ बैंगल ठीक है ठीक है ना ठीक है बांग्ला पढ़नी आती है ये लो ये लो बांग्ला में पढ़ो ये लो बांग्ला में इसको पढ़ो पढ़ो क्या लिखा हुआ है लो पढ़ो और पढ़ के हमें बताओ हिंदी में क्या लिखा है तुम पढ़ के सुनाओ तुम पढ़ के सुनाओ मुझे बांग्ला नहीं आती मैं क्यों पढ़ू बांग्ला बांग्ला आपको आती है आप पढ़ो देखो मैं तो गलत एक्सप्लेन करता हूँ सही एक्सप्लेन आप करो पढ़ के उर्दू में पढ़ के सुनो तो समझ में आता है समझ अच्छा, में आता है फिर आप कहोगे फिर आप कहोगे गलत एक्सप्लेन कर रहा है तो सही आप कर लो बांग्ला में क्या ख्याल है मैं उर्दू में पढ़ूंगा आपको गलत एक्सप्लेन कर रहा मैं तो एक्सप्लेन करूंगा इन्हीं जो लिखा वो पढ़ दूंगा लेकिन अगर मैं पढ़ूंगा तो आपको इतमान नहीं होगा ना इसलिए आप ही पढ़ो बांग्ला में और जो जोर जो से पढ़ो ताकि हमें भी सुनाई आए जी बहन पढ़ी क्या हुआ बहन खेला हो बे ये लो जी प्यारी तो चुप हो गई चलो जी ये पढ़ने वाली है नहीं मैं ही पढ़ देता हूं उर्दू में करके इसको ठीक है जी चलें जी मैं पढ़ देता हूं क्या कहा इनके रसूल अल्लाह ने इनके रसूल अल्लाह कहते हैं रसूल करीम अजहा या ईद उल फितर की, की तशरीफ ले गए वहां आप औरतों के पास से गुजरे और फरमाया औरतों की जमात सदका करो क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा जहनम में तुम्हें को देखा है उन्होंने कहा यार रसूल ऐसा क्यों है हम जहन्नम में क्यों सबसे ज्यादा आप सल्लाम ने फरमाया तुम लान तान बहुत करती हो और शोहर की नाशुक्री करती हो बावजूद अकल और दीन में नाकिस होने के आधा होने के तुम्हारी अकल भी आधी और तुम्हारा दीन भी आधा नुसरत खातून अकॉर्डिंग टू रसोल्ला बावजूद अकल और दीन में नाकिस होने के मैंने अच्छा तुमसे तुम तुम ज्यादा किसी ते 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 को भी एक अकलमंद होल्ड 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 पढ़ने दो मेरे को मेरे को पढ़ने दो अभी तो पूरी भी नहीं हुई रुक जाओ सब्र करो पढ़ने दो पूरा ओके बावजूद अकल और दीन में नाकिस होने के मैंने तुमसे ज्यादा किसी को भी एक अकलमंद और तजर्बेक तो आदमी को दीवाना बना देने वाला नहीं देखा और, तो ने अर्ज किया हमारे दीन और हमारी अकल में नुकसान क्या है यानी कि हमारी हमारी क्या नुकस, क्या कमी है हमारी दीन और हमारे अकल में या रसूल अल्लाह तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतों की गवाही मर्द की गवाही से निस यानी कि आधी नहीं है उन्होंने कहा जी हाँ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बस यही तो तुम्हारी अकल का नुकसान है फिर आपने पूछा क्या ऐसा नहीं है कि जब औरतें हाइजा होती हैं यानी कि उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं महीने में तो वो नमाज नहीं पढ़ सकती और ना रोजा रख सकती हैं औरतों ने कहा ऐसा ही है आप सलाम ने फरमाया यही तो उसके दीन का नुकसान है तो मानती हो तुम तो आधिया कल लो नुसरत खातून जी नुसरत बहन अनम्यूट करें अपना और जवाब दें आप मानती हो कि आप आधी कल की हो आयत को हाँ हम हाँ, मानते हैं जो जो बोला है लेकिन और भी आयत अभी तो आप कह रही थी आप कह रही और छोड़ आयत नहीं पहली बात तो आयत नहीं है पहली बात ये, पहली बात हो आयत नहीं, नहीं है नहीं। पहले अपनी नॉलेज में इजाफा करो तो थोड़ा सा मैं जो बोल रहा हूँ वो तो सुन ले प्यारी मेरी मैं कह रहा हूँ ये आयत नहीं है पहले तुम अपने नॉलेज में इजाफा करो ये हदीस है सही बुखारी की आयत नहीं है आयत कुरान की होती है ये सही बुखारी की हदीस है जिसने आपके रसूल अल्लाह ने फरमाया है जब तुम्हारे रसूल अल्लाह तुमको आधी अकल फरमा रहे हैं तो तुम कैसे किस होशियारी से अपने आपको पूरी अकल की बोल रही हो मानती हो आधी अकल की हो तुम आधी अकल क्यों बोला है क्योंकि तुम्हारी गवाही आधी है

अरे भाई अब कभी कभी तो बातें करके ये लगता है कि भी कुछ ज्यादा बोल दिया है ऐसी के लिए <laughs> और ये आधी अकल के साथ हमारे साथ डिबेट करने आई है पूरे अकल वाले को घर बैठा करके अरे अपने को तेरे बस की बात नहीं है। अपने शोर को लेकर क्या वो करेगा अकलता क्यूँकी तुम सुनते है क्योंकि तुम सुनते नहीं क्योंकि तुम सुनते नहीं क्यों रखते हो क्यों बोलने तो बोलो तो अभी कोई कोई जब एक धर्म को छोड़कर और एक धर्म में आते हैं तो उस धर्म का अच्छा या खूबियां बताते हैं हाँ हम okay. क्यों आए हैं इस धर्म में क्या देखा है क्या नहीं देखा वो बताते हैं और आप तो मुसलमान को लेके ही पड़े हो हाँ मुसलमान छोड़, छोड़ दे इस्लाम छोड़ देखिए मैं, मैं क्यों बात करती हूँ देखो आप जवाब ले लें देखो आप अपनी बात रखी ना मैंने सुना ना अब आप जवाब ले लें आपने कहा जो लोग किसी मजहब को छोड़ करके आते हैं

ओके हाँ। okay. तो फिर शिया और सुन्नी को काफी क्यों बोलते, बोलते हो सुन्नी शिया को काफी क्यों बोलते हो अगर तुम्हें यूनिटी अगर तुम्हें अगर तुम सुनोना सुनोना काउंटर 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 ले ले अगर मुसलमानों में यूनिटी है तो फिर तुमने इतने सारे बहत्तर फिर के बनाए हैं ये

सिया है कुरान आप आप बताया आप बताया मैं आपसे पूछ, आप पूछ रहा हूँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या कुरान में ना नहीं है कहीं पर भी नहीं नहीं है तो नहीं है तो फिर यूनिटी कहाँ है ये तो सिया है जमीन पे सारे मुसलमान ये कहा जाए फिर अगर तुम्हें यूनिटी है तो किधर यूनिटी तो वो तो लोगों ने बनाया है बस तो फिर लोगों ने बनाया तो वो मुसलमान ही तो है जिन्होंने बनाया है वो अल्लाह को नहीं मानते क्या आप लिए पैदा हुई दुनिया में अला को मानने अल्लाह को मानने अच्छा आप सिया है हम तो सुननी हम सिया सुननी कुछ भी नहीं है? <laughs> पियारे पहले, पियारे पहले बोली हम मुसलमान है बाद में बोली हम सिया सुननी कुछ नहीं क्यों क्योंकि अपनी बात कुछ <laughs> अगर तुम सिया सुननी कुछ भी नहीं होलमा कुछ नहीं कलमा सुना बहन कलमा सुना कलमा दे मुझे अपना हम क्यों आपको सुनाए हम हम आपको क्यों सुनाए अरे तो कलमा पढ़ती हो ना बहन सुना दो कलमा कैसे पढ़ती हो कलमा हम आपको क्यों सुनाए हम आपको नहीं सुनाएंगे तो हम आपसे क्यों बात करें हमारी क्या मजबूरी आपसे बात करने की अगर आप नहीं सुनाएंगे तो जाए दफा हो जाए आपकी डबल सुनो मेरी बहन एक बात और बता दू आपको यहाँ स्ट्रीम पर आकर के अगर अपनी बात को दिफा करने के लिए झूठ बोलती हो ना तो वो झूठ मेरे लिए नहीं होता तुम्हारे खुद के लिए होता तुम्हारा दिल खुद कह रहा होता है कि तुम झूठ बोल रही हो तुम मकार हो अपने अल्लाह की तरह जो तुम्हारा अल्लाह मकार है وَمَقْرَ اللَّهُ, اللَّهُ वो वो मकर कर रहे था, मैं भी मक्की कर रहा था अल्लाह सबसे बड़ा मक्कार है तो ठीक उसी तरह तुम भी मक्का हो अपने अल्लाह की तरह तुम भी गिरगिट की तरह रंग बदल देते हो मिनट मिनट पे अपना स्टैंड चेंज करते हो पहले बोलती है मैं सुननी हूँ फिर बोलती है मैं सिया सुननी कुछ नहीं हूँ मिन मिनट विद इन अ विदिन स्टैंड बदली तुम